Hey guys, welcome back to another video. आज की वीडियो टोटली डिफरेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज आज हम किसी कार का रिव्यू नहीं बल्कि एक बाइक का रिव्यू कर रहे हैं और बाइक भी ऐसी जो इंडियन बाइक राइडर के दिलों की धड़कन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हार्ली। आई नो इस 20 की आवाज़ से आपको मेरी इंट्रो तो सुनी नहीं होगी। मैं हूँ दीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल राइड विद दीप। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, हार्ले डेविडसन की जिस बाइक का आज रिव्यू करने वाले हैं वो है आयरन 883। लेट्स स्टार्ट विद द की। ये है इस बीस्ट की। देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल नहीं लगता ये इस बाइक की है। इस बाइक को ऑपरेट करने के लिए हमें दो कीज़ लगती हैं, एक बाइक को अनलॉक करने के लिए और दूसरा बाइक का इग्निशन स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल। ये है बाइक की फ्रंट प्रोफाइल। सामने आपको हेडलाइट में बड़ी सी एक हैलोजन लाइट देखने को मिलेगी। इसकी आउटर लेयर क्रोम की कोटिंग की हुई है। नीचे आपको हार्ले डेविडसन का लोगो मिलेगा। साइड में आपको हैलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे जिस पे ब्लैक टेपिंग ओनर ने खुद करवाई हुई है। साइड में आपको मिलेंगे डाउन फेसेस मिरर्स। अगर इस बाइक के सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो हमें मिलते हैं 39mm का सोर्स सस्पेंशन जिससे बाइक की राइड बहुत कंफर्टेबल होती है। अब बात करते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल की। साइड से बाइक देखने में लगती है बहुत मस्कुलर और ह्यूज। अगर बात करें फ्रंट टायर की तो हमें मिलते हैं मिशलिन के 19 इंच अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स जिनकी प्रोफाइल है 119B19। अगर बात करें फ्रंट की ब्रेकिंग की तो हमें मिलती है डिस्क ब्रेक विद द ड्यूल चैनल ABS। अगर बात करें इंजन की तो हमें मिलता है 883cc का वी ट्विन ड्यूल सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 68 Nm का टॉर्क ऑन 4750 RPM पे। ऊपर आप गन जो बुलेट शेल्स देख रहे हैं वो उन्होंने खुद मॉडिफाई करवाए हुए हैं। अगर बात करें फ्यूल टैंक की तो हमें मिलता है 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक जो ओनर ने थोड़ा सा खुद लिफ्ट करवाया हुआ है। सीट की कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो हमें मिलता है बेल्ट ट्रांसमिशन। अगर बात करें एग्जॉस्ट की तो हमें मिलते हैं ड्यूल एग्जॉस्ट विद द मैट ब्लैक फिनिशिंग। अब बात करते हैं बाइक के डिमेंशंस के बारे में। अगर ओवरऑल हाइट की बात करें तो वो है 1120 mm। अगर लेंथ की बात करें वो है 2185 mm। अगर बात करते हैं हम बाइक के विड्थ की तो वो है 820 mm। अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो हमें मिलता है 140 mm। अगर बात करते हैं सीट हाइट की तो वो है 760 mm। अगर बात करें व्हील बेस की तो वो है 1550 mm। अगर बाइक के वेट की बात करें तो वो है 256 kg। अगर बात करें बाइक के बैक प्रोफाइल की तो पीछे से बाइक देखने में बहुत ब्रॉड लगती है। साइड में हमें मिलते हैं दो हैलोजन इंडिकेटर्स। ठीक उसके नीचे हमें मिलती है बाइक की नंबर प्लेट की जगह। अगर बात करें रियर टायर साइज़ की तो पीछे हमें मिलता है 16 इंच का मिशलिन का ट्यूबलेस टायर जिसकी प्रोफाइल साइज़ है 115/80/B16। और अगर पीछे भी हमें डिस्क ब्रेक मिलती है जिसका साइज़ है 290 mm। और हमें मिलता है बेल्ट ट्रांसमिशन। अगर बैक सस्पेंशन की बात करें तो हमें मिलता है कॉयल ओवर ड्यूल एडजस्टेबल सस्पेंशन। अब बात करते हैं बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। यहाँ पे हमें एनालॉग डिस्प्ले वाला स्पीडोमीटर देखने को मिलता है जिसकी टॉप स्पीड 220 तक है। नीचे हमें छोटा सा ऑडोमीटर मिलता है जहाँ पे हम बाइक की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं, उसका फ्यूल लेवल देख सकते हैं। राइट हैंड साइड की बात करें तो हमें मिलता है सेल्फ स्टार्ट का बटन, उसके ऊपर पावर किल का बटन मिलता है।
साथ में आपको मिलता है नीचे इंडिकेटर्स का बटन, दोनों तरफ आपको डाउन फेसिंग मिरर मिलते हैं। अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड की तो हमें मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में हाई बीम लो बीम का स्विच, हॉर्न और लेफ्ट हैंड साइड के इंडिकेटर का बटन। अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो हैंडल का लुक बहुत अच्छा लगता है और इसका जो स्टांस है, जो पोस्चर है, वो काफ़ी अच्छा है। टैंक में आपको हार्ले का बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है, जैसे कि आप साइड में देख रहे हो, साइड में भी आपको हार्ले का लोगो देखने को मिलता है। ओवरऑल जो बाइक की लुक की बात करें तो बाइक देखने में बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो हमें बेल्ट ट्रांसमिशन मिलता है विद 5-speed गियरबॉक्स के साथ। तो ओवरऑल बाइक देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अगर अब हम बाइक की माइलेज की बात करें तो अगर सिटी की बात करें तो ये बाइक हमें सिटी में ऑलमोस्ट 14 से 16 किलोमीटर पर आ की माइलेज देती है, मगर अगर हाईवे की बात करें तो ये बाइक हमें 16 से 18 लीटर पर किलोमीटर की माइलेज हाईवे में देती है। सो गाइज, अब बात करते हैं बाइक की राइड क्वालिटी के बारे में, इसकी सीट कंफर्ट के बारे में, इसकी हैंडलिंग, माइलेज और इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द राइडिंग क्वालिटी। मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स तक चला के देखा है। इस बाइक को मैंने लो और हाई गेयर्स में दोनों में चलाया था। अगर बात करें लो गेयर्स परफॉर्मेंस की तो अंडर 50 आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस बाइक में स्पीड पावर कम है। जैसे ही आप हल्का सा थ्रॉटल देते हो तो बाइक उठती है। अगर बात करें हाई गेयर्स की तो मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी चला के देखा है। जैसे जैसे आप बाइक की स्पीड तेज़ करते हो, बाइक और भी स्मूथ हो जाती है और आपको और आपका कॉन्फिडेंस और भी बिल्ड हो जाता है कि आप बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो हाई स्पीड पर चलाने को मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, पर अगर मैं बात करूँ इसके बाइक राइडिंग क्वालिटी के बारे में कि बाइक आप अगर हाई स्पीड पर भी चला रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और ये बाइक बिल्कुल भी शेक नहीं करती। हालांकि जैसे जैसे आप इसको तेज़ चलाते हो ये बाइक और भी स्मूथ हो जाती है और एक सुपर बाइक का थंप देती है जैसे सुपर बाइक्स में मिलता है। अगर बात करें इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में तो इसकी सीटिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरी हाइट 5'6" है और मुझे ऐसा कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इसके हैंडल को रीच करते हुए जैसे नॉर्मल बॉबो बाइक्स में करना पड़ता है। तो इसकी हैंडलिंग और सीटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो ये हाईवे पे 16 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर पर आवर की माइलेज देती है। अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो पंजाब में ये ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए ऑन रोड पड़ती है। और इस बाइक को चलाते हुए ऐसा फील होता है कि सच्ची में आप कोई अच्छी सुपर बाइक चला रहे हो। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दूसरा चैनल, उसका भी लिंक दिया हुआ है जिसमें फूड व्लॉग्स आएंगे, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।